और आइए अब मैं उस शायर को बुलाने जा रहा हूं, सारी दुनिया के मुशायरे जिसका इंतजार करते हैं, आवाज की गूंज तरन्नुम का वो अंदाज जो लोग मुशायरे के बाद भी जिसे सालहा साल याद रखते हैं, आपके अपने जज्बात की तर्जुमानी सलीके के साथ मुशायरे की महफिलों में करने वाला नाम, एक ऐसा नाम जो आपका हौसला बनकर बोलता है, एक ऐसा नाम जो आपकी आवाज बनकर बोलता है। चार मिसरे पढ़ता हूँ कि पहले तालीम से तुम मोड़ दिए जाओगे, फिर किसी जुर्म से तुम जोड़ दिए जाओगे, हाथ से हाथ की जंजीर बनाकर निकलो वरना धागे की तरह तोड़ दिए जाओगे। हजरते गिरामी, आवाज दे रहा हूँ जनाब मीसम गोपालपुरी को कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब मीसम गोपालपुरी, जरा सा ऊंचा करोगे? ठीक है। बस बैठ जा भाई, बैठ जा, अब बैठ जा, हो जा। दोस्तों, आप काबिले मुबारकबाद हैं कि आपने इस मुशायरे को तवानाई बख्शी। बगैर किसी तमहीद के यहां से कुछ अशआर आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूं। जो लोग अपनी जरूरतों के तहत जा रहे हैं उनसे गुजारिश है कि बहुत जल्दी से निकल जाएं। आपकी इजाजत है? नहीं, मैं अगर इस तरफ इशारा कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इस तरफ, पूरे मजमे से मुखातिब होकर मैं कह रहा हूं कि आपकी अगर इजाजत हो तो अपनी तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे आप इजाजत दे दें। बहुत बहुत शुक्रिया, मुलाजा फरमाएं जी भाई। बिस्मिल्लाह। ये कौमी एकता का मुशायरा, मुशायरा एंड कवि सम्मेलन, मद्देनजर रखें। यहां से चार मिसरा पढ़ता हूं बतौर खास, जहां जहां हजरात हैं मुलाजा फरमाएं। इरशाद के मुल्क का, मुल्क का अपने वफादार नहीं हो सकता। क्या कहना, बस खुदा करे कि आप आमादा हो जाएं, खुदा करे कि मेरा जी लगने लगे आपको सुनाने के लिए, मेरा मूड बन जाए, और मेरा मूड बनने से पहले मुझे अपने आप को आमादा करने से पहले आपको अपने आप को आमादा करना होगा। मैं बहुत कम वक्त लूंगा आपका और उसी कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा अशआर सुनाने की कोशिश करूंगा। मुलाजा फरमाएं। मुल्क का अपने वफादार नहीं हो सकता, जान लुटाने को जो तैयार नहीं हो सकता। क्या कहना, वाह वाह वाह। मुल्क का अपने वफादार नहीं हो सकता, जान लुटाने को जो तैयार नहीं हो सकता। दिल में जिसने भी जला रखा है ईमान का दिया, दिल में जिसने भी जला रखा है ईमान का दिया, मेरा दावा है वो गद्दार नहीं। क्या कहना, वाह 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 वाह। मेरा दावा है वो गद्दार नहीं हो सकता, वाह वाह वाह। मेरा दावा है वो गद्दार नहीं हो सकता। चार मिसर और पढ़ता हूं, मुलाजा फरमाए, पूरी तवज्जो जहां जहां हजरात। गुलशन हिंद को, गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने। बेशक, वाह वाह वाह। नहीं, अगर चंद लोग तायीद करेंगे तो फिर तकलीफ होगी, क्योंकि हम जिस आका की सुन्नतों पे अमल करते हैं, जिसका कलमा पढ़ते हैं, उसने सख्ती से इस बात की ताकीद की है कि जिस मुल्क में पलो
बड़े हो परवान चढ़ो उस मुल्क से उस मिट्टी से वफादारी करो। तो हुब्बुल वतनी के हवाले से आका का फरमान है, मैं चाहूंगा कि आपकी दुआएं मुझे मिले ताकि आप भी उस सुन्नत में अमल करके सवाब कमा सके, क्योंकि हक की ताईद करना भी हक ही होता है। मैं हाजिर करता हूं मुलाजा फरमान जी भाई। बिस्मिल्लाह। गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने, क्या कहना, वाह वाह वाह, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे। वाह वाह। गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे। तो जिस्म के कितने ही हो जाए हमारे टुकड़े, जिस्म के कितने ही हो जाए हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं हो। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहना, वाह 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 वाह। कौन ये कह रहा था कि ये मुशायरा नहीं सुन रहे हैं? कौन लोग ये कह रहे थे कि ये दाद नहीं दे रहे? मुशायरा तो अब शुरू हुआ है। मुलादा फरमाए। सदर मोहतरम नहीं थे, अब आ गए, आपकी इजाजत चाहता हूँ, चार मिसरा पढ़ता हूँ, मुलादा फरमाए। गुलशन हिंद को सींचा है लहू से हमने, बीज नफरत के किसी को नहीं बोने देंगे। तो जिस्म के कितने ही हो जाए हमारे टुकड़े, जिस्म के कितने ही हो जाए हमारे टुकड़े, हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं हो। वाह वाह वाह। हम क्या, अच्छा देखिए, आपने मेरा मूड बना दिया, खुदा की कसम मूड बना दिया। अब लो सुनो, आमादा हो गया, सुनिए पूरी तवज्जो, जहां जहां हजरात हैं मुलाजा फरमाए। हम कभी मुल्क के टुकड़े नहीं होने देंगे। सुनिए क्यों, इसकी आजादी में है मुल्क हिंदुस्तान, हिंद, पूरी तवज्जो, इसकी आजादी में है खून हमारा शामिल। जिसे शक होगा दाद ना देगा, जिसे शक हो दाद ना दे। अगर उनके आबा आजाद की कुर्बानियां अगर हैं, तो मैं चाहूंगा कि अगर वो अपने हाथों को बुलंद करेंगे, अपने लबों को जुम्बिश देंगे, तो उनकी रूहें भी आपके हक में दुआएं करेंगी। पूरी तवज्जो, पूरी तवज्जो मुलाजा फरमाए। इसकी आजादी में है खून हमारा शामिल, हम ही हैं, हम ही हैं देश को आजाद कराने वाले। वाह 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 वाह। इसकी आजादी में है खून हमारा शामिल, वाह वाह, हम ही हैं देश को आजाद कराने वाले। तो उनसे कह दो जो भगाने पे तुले हैं हमको, उनसे कह दो हम नहीं छोड़ के इस मुल्क को जा। अरे वाह 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 वाह। मीसम मीसम, थोड़ा सा दम ले ले मेरे भाई, बैठो बैठो बैठो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, जल्दी बैठो। देखिए हजरात हजरात, मैं एक बात आपसे अर्ज करूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। मीसम गोपालपुरी हिंदुस्तान का वो वाहिद शायर है जो सिर्फ गजल सुनाता ही नहीं, गजल दिखाता भी है। अगर आपने इनका मूड बना दिया है तो ये आपको गजल सुनाएंगे भी और गजल दिखाएंगे भी, ये आप देखेंगे अपनी आंखों से। इस्तकबाल कीजिए।
इसकी आजादी में है खून हमारा शामिल, हम ही हैं, हम ही हैं देश को आजाद कराने वाले। उनसे कह दो जो भगाने पे तुले हैं हमको, हम नहीं छोड़ के इस मुल्क को जाने। कौन है दोस्त कौन दुश्मन है, कौन है दोस्त कौन दुश्मन है, कौन है दोस्त कौन दुश्मन है। खूब हम इसका ध्यान रखते हैं, कौन है दोस्त कौन दुश्मन है। खूब हम इसका ध्यान रखते हैं, खामोशी में है मसलहत वरना, खामोशी में है मसलहत वरना हम भी मुंह में जबान रख। हम भी मुंह में जबान रखते हैं, हम भी मुंह में जबान रखते हैं। चार मिसरे और पढ़ता हूँ, पूरी तवज्जो। दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती, हमें जुदा नहीं कर सकती, हम एक थे एक हैं एक रहेंगे। पूरी तवज्जो। नहीं ये नहीं, ये नहीं भैया, ये ना करो, ये ना करो, आप ये ना करो। नहीं नहीं, ये आपकी मोहब्बतें हैं, हम आपकी मोहब्बत। हम भी मुंह में जबान रखते हैं, हम भी मुंह में जबान रख। सुनिए, हाजिर करता हूं। ऐ शहीदान वतन, ये श्रीलंका वाले भी दाद दे सकते हैं। पीछे पीछे पीछे, अगली अगली आठ दस सफेद बिल्कुल बेदार है, खुदा का शुक्र है। पीछे वालों की बात कर रहा हूं। ऐ शहीदाने वतन, आपके जज्बों को सलाम। एक एक आदमी की तवज्जो चाहता हूँ, एक एक शख्स की। और देखिए हमारा स्टेज, हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग किस तरीके से अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। पूरा स्टेज हमारा बेदार है। मेरे बड़े भाई जौहर कानपुरी साहब की दुआएं मुझे हासिल हो रही हैं। पूरी तवज्जो अपने तमाम साथियों की और खुसूसी तौर पे आपकी मुलादा फरमाए। ऐ शहीदाने वतन, आपके जज्बों को सलाम। वाह वाह वाह। आपके जिक्र में हम आज भी खामोश नहीं। मिश्रा दाया कर दिया। वाह 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 वाह। ऐ शहीदाने वतन, ऐ शहीदाने वतन, आपके जज्बों को सलाम। ऐ शहीदाने वतन, आपके जज्बों को सलाम। आपके जिक्र में हम आज भी खामोश नहीं। जब आपकी तवज्जो भरपूर हो जाएगी, मैं तीसरा चौथा मिसरा पढ़ दूंगा। मुलाज़ा फरमाए। ऐ शहीदाने वतन, आपके जज्बों को सलाम। आपके जिक्र में हम आज भी खामोश नहीं। तो भूल पाएंगे भला खिदमत, भूल पाएंगे भला कैसे तुम्हारी खिदमत। हम मुसलमान हैं एहसान फराम। ऐ शहीदाने वतन, आपके जज्बों को सलाम।
आपके जिक्र में हम आज भी खामोश नहीं भूल पाएंगे भला। चलो 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 बस जौहर भाई है शहीदाने वतन भैया थोड़ा इसको थोड़ा सा मेरे भाई थोड़ा सा मेरे लायक बना दो इसको थोड़ा सा शहीदाने वतन आपके जज्बों को सलाम। वाह वाह। आपके जिक्र में हम आज भी खामोश नहीं क्या भूल पाएंगे भला कैसे तुम्हारी खिदमत हम मुसलमान है एहसान फरामोश नहीं। वाह वाह वाह। हम मुसलमान आखिरी चार मिसरा पढ़ता हूँ लिहाजा फरमाए बतौर खास जहाँ हजरात हैं मगर एक एक शख्स की शिरकत चाहता हूँ हर एक शख्स जो अपने सीने में इंसाफ पसंद दिल रखता है और जो वाकई मुशायरा सुनने के लिए आया है आप काबिल मुबारकबाद हैं क्योंकि मुशायरा देखने वाले जो लोग थे आए और देख के चले गए। मेरी निगाहों के सामने इस वक्त जितने भी लोग हैं ये वाकई उर्दू से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और जो घर से ये कष्ट करके निकले थे कि हमें मुशायरा सुनना है उर्दू के शायरों की हौसला अफजाई करना है अपनी तहजीब को उजागर करना है वो मेरी निगाहों के सामने है। आप काबिल मुबारकबाद हैं लिहाजा मैं चार मिसरा पढ़ता हूँ आपकी बेहतरीन समातों के लिए और जिसने भी अब तक शिरकत नहीं की है दाद के साथ इन चार मिसरों में अपनी शिरकत दर्ज कराएगा ताकि जो है मैं उससे शाद और खुश जाऊँ क्योंकि मैंने बहुत से चेहरे ऐसे देखे हैं जिन्होंने अब तक लबों को जुम्बिश नहीं दी है मुझे नहीं पता उनके मुंह में गुटका है या झटका मगर बस मैं ये चाहता हूँ कि अगर गुटका है तो वो साइड कर ले जैसे बाकी सारे काम कर लेते हैं साइड करके वैसे शायर को दाद भी दे दे। मैं चार मिसरा पढ़ता हूँ मेरे निगाहों के सामने उलमाए कराम हैं और ये असातिज़ा भी मौजूद हैं तालिब इल्म भी मौजूद हैं। मैं चार मिसरा पढ़ता हूँ मुरादा फरमाए अपनी दौलत के लिए आमादा हो गए अपनी दौलत के लिए और न शोहरत के लिए अपनी दौलत के लिए और न शोहरत के लिए अपनी दौलत के लिए शकील भाई आ जाइए शकील भाई आ जाइए बहुत जल्दी से आ जाइए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो मुशायरा बना रहे हैं वो बिगाड़ नहीं रहे आप उनको आजादी दे दीजिए। अपनी शोहरत के लिए और न दौलत के लिए अब देखना है कितने लोग दाद देते हैं दूसरे मिसरे में अपनी शोहरत के लिए और न दौलत के लिए आओ आओ मैदान में फकत दीन की खिदमत के लिए आओ मैदान में फकत दीन की खिदमत के लिए अपनी शोहरत के लिए और न दौलत के लिए आओ आओ मैदान में फकत दीन की खिदमत के लिए मस्जिद कूफा से आवाज अली आती है मस्जिद जिंदगी होती है मोमिन की शहादत हजरत गिरामी। हाँ आप रुक जाइए बस ये हाँ बस आप देखिए तलवार वाला कौन सा शेर है अच्छा
देखिए हजरत ऐसा है, आप यकीनन बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं आपसे, आप दादो तहसीन की सदाएं बुलंद कीजिए, जिसको गुलपोशी करनी है वो सीधे आके या बाद में मीसम गोपालपुरी की गुलपोशी करे, लेकिन ये जो मंजर हमारी नजरों के सामने है, इस तरह से फूल फेंकने का, ये इससे जो है मैं समझता हूं कि ये इस वक्त मुशायरे के लिए मुनासिब नहीं है, थोड़ी देर के लिए आप इस काम को रोक दें, बाकी आप गुलपोशी करके इस्तकबाल मीसम गोपालपुरी का करें, बहुत अच्छे से आप सुन रहे हैं, मैं आपकी समातों को सलाम कर रहा हूं, और जरा सा ये मुशायरे का आखिरी हिस्सा है, इसी तरह से जुड़े रहिए, बहुत शुक्रिया। नहीं, जब जिसके समझ में आए दाद दे सकता है, कोई मसला नहीं। हजरात, एक मतलब कुछ अशआर आपकी खिदमत में और पेश करता हूं, मुलाजा फरमाएं। आइए कुछ गजल के अशआर मुझे आपको सुनाने हैं, एक मतलब और दो शेर पहले सुनाता हूं, उसके बाद फिर मैं अपनी गजल, अपनी पसंद के गजल के कुछ अशआर आपको सुनाऊंगा, हाजिर करता हूं मुलाजा फरमाएं। जो दाग दिल पे है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, खुदा आपकी समातों की हिफाजत फरमाए, आपको नजरे बद से बचाए, अच्छा सुन रहे हैं आप, जहां मजाह मिजाह की शायरी आई, जहां हसने हसाने की शायरी आई, आपने उसे भी सुना, जहां आपको इश्क और आशिकी की शायरी मिली, आपने उसे भी सुना, जहां संजीदा शायरी आई, आपने उसे भी सुना, जहां अच्छा शेर आया, आपने उसकी भी हौसला अफजाई की, जहां खराब शेर पढ़ा गया उसकी भी आपने इस बात को मद्देनजर रखते हुए हौसला अफजाई की और दाद दी कि अकरम ज़ैफ वला कानो काफिरा, मेहमान काफिर ही क्यों ना हो, उसकी इज्जत अफजाई आप पर वाजिब है। तो आपने जो अपनी मोहब्बतों का और अदब नमाजी का सबूत दिया है, मैं चाहता हूं कि एक बार पूरा पिंडाल, पूरा मजमा, जितने लोग इस सदन में मौजूद हैं, एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजा दें जिन्होंने इस मुशायरे को कामयाब किया। मुलाजा फरमाए, हाजिर करता हूं, एक मतलब और दो तीन शेर सुनिएगा। जो दाग दिल पे है, जो दाग दिल पे है, धोना बहुत जरूरी है, जो दाग दिल पे है। मैं बैठा हुआ था, मेरे दोस्त साथी कह रहे थे कि ये देखिए, ये नौजवान लड़के हैं किस तरीके से इश्क और आशिकी के शेर को सुन रहे हैं और अच्छा शेर जाया कर रहे हैं। मैं उन्हें दावत फिक्र दे रहा हूं जो मुझसे कह रहे थे कि जरा देखें, ये वही लड़के हैं, ये वही नौजवान हैं, जब संजीदा शेर पढ़े जा रहे हैं तो उसकी भी पजीराई कर रहे हैं और मोहब्बतों से नवाज रहे हैं। मैं हाजिर करता हूं मुलाजा फरमाएं। जो दाग दिल पे है, धोना बहुत जरूरी है। वाह वाह वाह, क्या कहना मीसम, वाह वाह वाह। जो दाग दिल पे है, धोना रोना बहुत जरूरी तुम्हारी याद में, रोना बहुत जरूरी है, जो दाग दिल पे है। मुलादा फरमाया, तुम्हारी याद में रोना बहुत जरूरी है। सुनिएगा शेर, वो अजनबी तो नहीं था मगर कहा उसने, वो
अजनबी तो नहीं था मगर कहा उसने जो दाग दिल पे है धोना बहुत जरूरी है, तुम्हारी याद में रोना बहुत जरूरी है। वो अजनबी तो नहीं था मगर कहा उसने ताल्लुकात का होना बहुत जरूरी का होना बहुत जरूरी है। जो दाग दिल पे है। अब एक शेर मैं अपने मेहमान खुसूसी की खिदमत में पेश कर रहा हूँ, सदर मोहतरम की खिदमत में हाजिर करता हूँ। मुलाजा फरमाए, पूरी तवज्जो जहां जहां हाजरात है सुनिए भाई। ताल्लुकात का होना बहुत जरूरी है। हमने अपने बुजुर्गों को अक्सर बेशतर या अपने घरों में कहते हुए सुना है कि खुदा औलाद दे तो नेक दे, एक दे पर नेक दे। इस पर समंदर में शेर सुनिए। ताल्लुकात का होना बहुत जरूरी है। जो दाग दिल पे है शजर उगे तो सदाकत का फल मिले सबको। वाह 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 वाह। शजर उगे तो शजर उगे तो सदाकत कैसे बीज का बोना बहुत जरूरी। क्या कहना क्या कहना। देखिए हजरत कैसा है, मीसम गोपालपुरी को आपने बहुत मोहब्बतों से नवाजा।